विश्वं दर्पण दृश्यमानं दर्शं दर्शं स्वरूपं परिणति विधुरं ब्रह्म निर्भेदमद्धा न श्रद्धां नानुबन्धं श्रुतिशिखरविरामाग्रहं नाम अम्भ संहरदखिलं सकृदुदयादेव जीवलोकस्य परमिवति निरराशिं जयति जगन्मंगलं हरेर्नाम अम्भ संहरदखिलं सकृदुदयादेव जीवलोकस्य परमिवति निरराशिं जयति जगन्मंगलं हरेर्नाम ऋग्वेद में एक मंत्र है मर्ता है अमर्तस्य ते भूरि नाम मना करे हम मौत से घिरे गए हैं चारों ओर मौत ही मौत है। उपनिषद का कहना मृत्युना आत्मविदम सर्वम मौत ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अमर्तस्य ते एक परमात्मा ही अमर है अमृत है परमात्मा के सिवाय और दूसरा कोई अमृत नहीं। अतएव पूरी नाम मनाम है अतएव हम आपके नाम 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 का भजन कर रहे हैं। पाणाचार्य ने मनामहे का अर्थ किया है भजामहे हम आपके नाम का भजन करते हैं आपके नाम का मनन करते हैं। नाम जपु नाम रटु नाम रमु जी हे जीव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हे जीव तुम नाम का जप करो तुम नाम को रटो तुम नाम में रम जाओ। अब एक बात आपके ध्यान में हम ला रहे हैं यदि हम अपने जीवन की ओर देखें तो आप चाहे कितनी भी जीन हाँकें आपके आस पास पड़ोस में जो लोग घेरे रहते हैं आपको वो कोई विश्वास करने योग्य नहीं। आप काम चलाने के लिए विश्वास कीजिए बिना विश्वास के काम तो चल ही नहीं सकता। नौकर के हाथ का पानी पीना पड़ेगा रसोई के हाथ का खाना पड़ेगा डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी बिना विश्वास के तो काम चलेगा नहीं। तो एक मजबूरी है कि हम संसार में
विश्वास करके अपना जीवन चलाते हैं, नहीं तो अपने हाथ पांव भी विश्वास करने लायक नहीं है। ये कब तक रहेंगे, कब तक काम देंगे, मिनटों में हो। हमारे एक मित्र थे, वृंदावन में ही रहते थे, उन्होंने एक आश्रम बनाया, हमारे पास में ही है। बड़ा बढ़िया व्याख्यान देते थे भागवत का, और दिन में व्याख्यान दिया, रात को लकवा लग गया, पक्षा घात हो गया। अब दवा करने के लिए जब रुपए की आवश्यकता हुई तो वो आश्रम उन्होंने प्रयाग मुनि के हाथों सौंप दिया, वही प्रयाग मुनि ने वही दिया, और फिर दवा दारू करते हुए कुछ वर्ष रहे, हमको मिलते भी थे। उनके मन में बहुत गिलानी थी कि अब मैं बोल नहीं सकता, बड़ी गिलानी। तो अपनी जीभ का ही विश्वास नहीं है, अपने हाथ का ही विश्वास नहीं है, अपने पांव का विश्वास नहीं है, ये दिल महाराज कब कहां बह जाए कुछ पता नहीं, दिमाग कब कैसे उलट जाए। हमने बड़े बड़े बुद्धिमानों को पागल होते देखा। जिस विश्व में हम रह रहे हैं, जिससे चारों ओर घिरे हैं, पास पड़ोस की बात हम नहीं करते हैं, हमारे तो सबसे पड़ोस में हमारा शरीर ही है, हमारी आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, दांत है, मन है, ये भी मृत्यु से ग्रस्त हैं। न हमारे हाथ में है, न ये स्वयं निज के हाथ में है, ऐसी विवशता सृष्टि में चलती है। तो पास पड़ोस की तो ये दशा है कि हम जिनका विश्वास नहीं करना चाहिए उनसे घिरे हुए, मौत सबके सिर पर छाई हुई है, छींच रही है ये सारी सृष्टि क्षण क्षण, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। जहां देखो अज्ञान का ही बोलबाला है। हम बच्चे से भी बात करते हैं और वो कुछ कहता है, वो कहता है कि पिताजी आप नहीं समझे, ये बात मम्मी को डैडी को मालूम नहीं। अरे तुमको कहां से मिली? बोले स्कूल से मिली। और हम सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, ये नहीं समझता है। वो समझता है कि मम्मी डैडी पुराने हैं, ये नहीं समझता। देखो हमारे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं, दोनों नासमझ हो गए, दोनों ही नासमझ हो गए हो। उसमें अपना अभिमान जो है वो बिल्कुल बेकार है। दुख की ओर देखो तो सृष्टि की ये स्थिति है, इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी पैदा ही नहीं होता जिसके जीवन में दुख ना हो। जब मन लेके पैदा हुए, वासना लेके पैदा हुए, रिश्ते नाते लेकर पैदा हुए, मैं मेरा लेकर पैदा हुए, तो कभी न कभी अपने विरुद्ध कुछ न कुछ हो ही जाता है। दिन भर में 10 बार दुख आता है, 10 बार सुख आता है। तो ये दुनिया मौत से घिरी है, अज्ञान से घिरी है, दुख से घिरी है, भय है, शोक है, मोह है। जो पीछे छूट गया, अच्छा छूट गया, तब भी उसके लिए पछताते हैं, बुरा छूट गया तो भी उसके लिए पछताते हैं कि हाय हमने बुरा क्यों किया, अच्छा किया तो उसके लिए भी कहते हैं आज क्यों नहीं होता, पहले तो मैं बहुत अच्छा कर सकता, आगे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, भय होता है। वर्तमान में ऐसा मोह है कि हम
ले चलना चाहते हैं अपना राज्य अपने साथ, अपनी धरती अपने साथ, लेकिन ये पट्टे दांत भी हमारे साथ नहीं चलते हैं, वो ये काले बाल भी हमारे साथ नहीं चलते हैं, झूठ मूठ का मोह संसार में व्याप्त हो रहा है। तो भविष्य का भय है, भूत का शोक है, वर्तमान का मोह है, इस तरह का ये जीवन चल रहा है। भागवत में इस जीवन का वर्णन है सर्वतो मृत्यु, 11वें स्कंद में ये शब्द है। वो ये मनुष्य कहाँ है, बोले सर्वतो मृत्यु, इसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं सामने पीछे बाहर भीतर मृत्यु मृत्यु भरी हुई है। कभी गौर से देखें आप तो पड़ोसी को देखने में इतने संलग्न हो गए हैं कि अपना चेहरा ही नहीं दिखता है, जैसे अपने को देखने वाला शीशा ही फूट गया हो। थोड़ा सा समय अपने जीवन में ऐसा रखिए जिसमें अपने को बेनकाब करके देखा जा सके। दूसरे को गाली देना बहुत सुगम है, और अपने साथ जो गाली लगी है, दुनिया भर की गाली हो, अगर हमारे साथ गाली न लगी होती तो उसकी एक पहचान होती, हम दूसरे को गाली नहीं देते। जैसे जिसके पास रुपया होता है वो दूसरे को रुपया देता है, तो जिसके पास गाली की पूंजी रखी हुई है वही तो दूसरे को गाली का प्रदान करेगा है? सो महाराज, कई निंदा करने वाले गाली देने वाले तो ऐसा भी समझते हैं कि जैसे पुण्य तीर्थ में और पुण्य काल में और श्रेष्ठ पुरुष को जैसे काले च पात्रे च दान करने से बहुत पुण्य होता है, वैसे अपने से श्रेष्ठ पुरुष की यदि निंदा की जाए तो उससे हमको बहुत कुछ पुण्य होगा। माने अपने से बड़ों की निंदा करते हैं तो बड़ों को दान देने से पुण्य होता है, तो शायद सोचते होंगे कि बड़ों की निंदा करने से गाली देने से भी ज्यादा पुण्य होता। तो बाबा, ये तो है अपने जीवन की परिवार, परि माने चारों ओर, वार माने जो घेर के रहे हो, परिवार माने चारों ओर का घेरा, परिकर माने भी यही होता है, जैसे दो हाथ शरीर में रहते हैं वैसे आस पास जो अपना हाथ बन के रहते हैं काम करने वाले, उनको परिकर बोलते हैं, परिकर है, परिवार है। अब यदि अपने शरीर की ओर देखें तो हम दूसरे को धक्का देते हुए चलते हैं, दूसरे को गिराते हुए चलते हैं, ऐसा हमारा काम है, ऐसा हमारा चलना। हम देखो चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी की ओर कोई बुरी नजर से न देखे, परंतु हम दूसरों की बहू बेटी की ओर बुरी नजर से देखें। ये स्थिति है, हमारा धन कोई न ले, हम दूसरे का धन लेना चाहते हैं, तो हमारी ओर कोई टेढ़ी आंख से न देखे, पर हम दूसरों को टेढ़ी आंख से देखें। हम व्यवहार की जो संहिता बनाते हैं, कानून की जो पुस्तक है, हमारा जो ताजीरात हिंद है, ऐसे ही कुछ नाम था ताजीरात हिंद है, वो दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मन की जो वासनाएं हैं उनकी ओर देखो, ऐसा महाराज ये खींचता है, इसमें विक्षेप शक्ति ज्यादा है, अपने को बाहर फेंकता है। तो किसी से कहो भाई तुम उनकी ओर देखते हो, निहारते हो,
तो कहेगा देखते ही तो हैं, पाप थोड़ी करते हैं, देखना कोई पाप है? अरे भगवान ने हमको आंख दी है, उसको सुंदरता दी है, हम देखते हैं, देखना कोई पाप थोड़ी है। ईमानदारी की बात आपको सुनाता हूं। तो पहले आंख जाती है देखने, फिर जीभ जाती है बात करने। अरे दो दो बात कर लेते हैं तो इसमें क्या पाप? फिर हाथ जाता है छूने, अरे बाबा छूने में क्या पाप? तो पहले आया देखना, चक्षु राग प्रथम, मुंह से राग प्रारंभ होता है। ये लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बध जाए। आंखें लगा लगी करते हैं और मन बन जाता है। आंख से देखा, जीभ से बात की, मन को अच्छा लगा और हाथ से छू लिया, और छूने के बाद ये तो महाराज एक बार मन जहां तिकोनी में गया और गोंद लगा, फिर तो चिड़िया बन गया। ये धीरे धीरे हो, जो शुरू से ही सावधानी नहीं रखेगा वो गलत रास्ते पर जाता है। अधोधो गांगेयम पदमुपगतम स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात स्वतमुखा। जब कोई चीज नीचे गिरने लगती है तो नीचे गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। औरों का तो कहना क्या, गंगा जल भी, गंगा जल भी भगवान के चरणों से गिरा ब्रह्मा के, और कमंडलू में आया, वहां से गिरा तो शिव जी के सिर पे आया, वहां से गिरा तो हिमालय पर आया, वहां से गिरा धरती पर आया, और वहां से गिरा तो खारे समुद्र में जाके मिल गया। जब मनुष्य की गति नीचे की ओर होने लगती है तो उसको कोई संभाल नहीं सकता है। अधो धो गांगेयम पदम उपगतम स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखा। जब आदमी विवेक का रास्ता छोड़ करके गिरने लगता है, अरे बाबा पहले दिन आंख को रोको, जीभ को रोको, हाथ को रोको, मन को रोको, कहां जा रहा है? तुमको छोड़ करके वो कहां जा रहा है? ये हमारे मन की स्थिति है। आत्मविश्लेषण आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक। यथा ही मलिनैर वस्त्रैर यत्र तत्रोपविश्यते एवं चरित वृत्तस्तु वृत्तशेषम नरक्षति। जब आदमी गंदा कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे जहां बैठ जाता है, इसी प्रकार जब मनुष्य का चरित्र एक बार गिरने लगता है तो वो कितना गिरेगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। तो हम लोग जानते हैं, सब सोचते हैं कि जाओ भाई पंचभूतों की प्रक्रिया यही, प्रकृति विकार की हो रही चलती है, जानते हैं ये सब माया का खेल ऐसा ही होता है, ईश्वर की लीला में यही सब कुछ तो होए, नहीं तो लीला कहां। तो किसी से बैर विरोध नहीं करते, किसी को टोकते भी नहीं, वो जानते हैं कि यदि हम टोक दें और समझाने लगे तो ये हमारे पास आना छोड़े, कम से कम आता तो रहेगा, रहेगा तो सही है समय पर जैसा भगवान करे। पर यदि हम इसके चरित्र में कोई दोष निकालें, नुक्ता चीनी करें तो कहेगा अरे ये तो खुचर निकालते रहते हैं, ये महात्मा नहीं है, इनको तो दोष दिखता है। वो ऐसे कहेंगे वो कि ये महात्मा होते तो इनको दोष काहे को दिखता। तो अपनी खोट सुनने को कोई तैयार नहीं, किसी का मन
उनको महाराज दोष बताओ ऐसी चार सफाई देते हैं। पहले तो मैंने ऐसा किया ही नहीं, किया तो इस वजह से किया, फिर के बोले हमने पोथी में देखा जो विस्तृत ने भी ऐसा किया। अच्छा ठीक है, हमारे गुरु जी ने भी ऐसा किया था, हमको बड़े आदमी ने बताया था, बड़ों का बुजुर्गों का नाम लेके हमारे भाव को दबाएंगे। ये सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है। हम जैसे पागल को पागल नहीं कहते, वैसे वासनावान को वासनावान भी नहीं बोलते। भरी सभा में बैठे, बीच में बैठे, एक आदमी के लिए नहीं, सार्वजनिक रूप से ये बात कह रहे हैं। कोई एक आदमी ये न लगावे कि हमारे ऊपर लगा गए, हम भुक्त भोगी हैं। भुक्त हमने जब किसी को बताया कि तुमने ऐसा एकांत में तुमने ऐसा किया, तो उसके मन में आया अच्छा ये जान गए, बस फिर आना जाना बंद। अरे बाबा दुनिया से कैसे रहना, बोले 36 होके रहना, उसका मुंह दूसरी तरफ अपना मुंह दूसरी, 36 जानते हैं, 36 को जानते, 3 का मुंह दूसरी ओर, 6 का मुंह दूसरी ओर, जगते रहो 36 हुए, राम चरण 6-3, भगवान के चरणों में कैसे रहना, 63 की तरह, 63 में 6 और 3 दोनों का मुंह एक मिला होगा, और 36 में दोनों का मुंह दूसरी तरफ है। अच्छा, बुद्धि जो है उसको संसारी लोगों ने इंद्रियाणाम चरता जन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा, ये प्रज्ञा माने बुद्धि हो, आगे आगे चली इंद्रियां, जिनका महाराज उसी से प्रेम नहीं है, ये इंद्रियां जो हैं ये उलटे ही हैं। जीव कभी बताती है कि नमक प्यारा है, तो कभी बताती है कि मिठाई प्यारी है, तो कभी बोलता है खटाई प्यारी है, ये क्या, ये कोई बात हुई। आंख बताती है कभी ये सुंदर है, कभी ये सुंदर है, कभी ये सुंदर है, तो आगे आगे चली मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक, तो हो गई ये कुलताएं, और ये मन सारा नपुंसक साले ये वो। ये गाली है तो निरुक्त में स्याल शब्द है, स्याल साला नहीं है, स्याल स्याला संबंधन का, तो स्यात लाजान आबसंती इति स्याला, विवाह के समय जो सूप में लेके लावा गिराते हैं ना उसमें आग में, उनको स्याला बोलते हैं, स्याल शब्द की व्युत्पत्ति है, स्यात लाजान आबसंती। ये महाराज अपनी बहन को हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज देते हैं, इसलिए इनको स्याल कहते हैं। अब देखो आपका मन कैसा है, ये इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता, इंद्रियों के बस में हो जाता है, ये नपुंसक है, इसका जो पुष्प है पौरुष है वो नष्ट हो गया है। क्लैव्यम मास मगम पार्थ नई तत्व युग पद्य है, मन बिल्कुल नपुंसक इंद्रियों के पराधीन हो। अब महाराज मणिराम चले तो प्रज्ञा भी बुद्धि भी, इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि चली। ऐसे समझो आंख ने देखा कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, घर में 500 साड़ी रखी, ऐसा नहीं है कि 10-20 साड़ी अपने पहनने के लिए रख के और जो 400-500 घर में इकट्ठी है वो गरीबों को दे दें काम में आ गया, ऐसा नहीं करते हैं। बोलते ये साड़ी गरीब पहनेंगे,
भरा हुआ है। गरीब नहीं पहनेंगे, कीड़े खा जाएंगे, सड़ जाएगी, रखे रखे सड़ जाएगी। और अरे भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, ये अरे गहरे को देने लायक नहीं है। तब तो क्या हुआ कि पांच चार दिन के बाद वो कीड़ों के काम भी हो गए, ऐसा होता है। तो ये बुद्धि जो है ऐसा विचार देती है, ऐसा विचार देती है जो काम के, क्रोध के, लोभ के समर्थन में होता है। देखो ना, हम लोगों ने नींद को भी उठा दिया है। जब हम दवा खाके बुद्धि को दबाते हैं, नहीं तो महाराज कहाँ, वो तो पैसे के पास रहती है, दुश्मन के पास रहती है, पराये घर में रहती है, कुर्सी में रहती है, अखबार में रहती है। तो बुद्धि तो अपने घर में रहती नहीं, वो तो मन के पीछे पीछे दौड़ती रहती है। तो उसको महाराज दवा दे के सुलाना पड़ता है। हमको बड़े बड़े लोगों से मालूम पड़ा, जो दुनिया में धनी मानी कहे जाते हैं, इज्जतदार, कि वो जब गोली खाते हैं तब उनको नींद आती। ये महाराज पढ़े लिखे लड़के अपनी अकल का संहार करते हैं। हमने एक नौजवान के बारे में सुना, 25 वर्ष का है अभी, वो तो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा काम करने वाला, अब उसको पान खाने का शौक पैदा हुआ है 25-26 वर्ष की उम्र में। तो मालूम हुआ कि बाबा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग तो पान खाना पसंद नहीं करते हैं, ये क्यों खाता है। तो मालूम हुआ कि पान की दुकान पर और कोई गोली मिलती है ऐसी जो पान में डाल के खाता है नशे के लिए। तो अकल का तो संहार हो गया ना, वो खुद जैसे कोई ऐसी चीज खाए तो उसका शरीर गल गल के गिर जाए, ऐसे वो ऐसी चीज खाता है कि उसकी अकल गल गल के गिर जाए, न धन कमाने लायक रहे। बहुत लोगों को हम जानते हैं कि उनकी कमाई छूट गई, व्यापार छूट गया, उनका घर बिगड़ गया, वो तो मस्त रहते हैं महाराज, घूमते रहते हैं जैसे बिल्कुल लापरवाह हो गए। तो जैसे शरीर को जहर नष्ट करता है, वैसे बुद्धि को नशीली चीजें नष्ट करती हैं। तो क्या बोले, किसको बोले। कबीर जी ने रोया था पहले ही, केही केही समझावा सब जग अंधा, ये कबीर साहब का पद है, केही केही समझावा सब जग अंधा, ये स्थिति है। अब इसमें कहो कि नियम से धर्म का पालन करो, मेरा बिना नियम लिए धर्म का पालन नहीं करता। व्रत, व्रते न दीक्षा मात्मूति, जीवन में एक नियम लेना पड़ता है, एक व्रत करना पड़ता है। व्रत, हम ये चीज नहीं खाएंगे, ये व्रत चाहिए हो। फिर किसी दिन भूखे रहना पड़े तो रहो, और बिना तकलीफ सहे धर्म का पालन नहीं होता। हम ये काम नहीं करेंगे, व्रत लो। हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, व्रत लो। यज्ञ में दीक्षा लेनी पड़ती है, अपने मन से ले तो कभी छोड़ सकते हैं। इसलिए जैसे पुरोहित के सामने अग्नि प्रज्वलित करके वेद का मंत्र पढ़ के ब्याह होता है कि हम आजीवन एक साथ रहेंगे, मंत्र है वो वेद में, ऐसे मंत्र मयाते संतु जरदस्तया, पति अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों एक साथ बुढ़े हों, हम दोनों की हड्डियां एक साथ कमजोर हों, पावे विवाह भाई सहरे तो दधा भाई पुत्रान प्रजनया भाई मया ते संतु जरदस्तया, ये वेद का मंत्र है वो पति अपनी पत्नी को आमंत्रित करते हैं। सामाहमस्मि रेक्वम, मैं सामवेद का संगीत हूँ,
और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो, मैं आकाश हूँ तुम धरती हो, मैं नारायण हूँ तुम लक्ष्मी हो, ये विवाह में मंत्र पड़ेगा। जब तक जीवन में व्रत नहीं लोगे, व्रत हम ये चीज नहीं खाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये बात नहीं बोलेंगे, ऐसी जगह नहीं सोएंगे, इसको नहीं छुएंगे, जब तक जीवन में व्रत नहीं आवेगा, साधन बाहर से प्रारंभ होता है और भीतर प्रवेश करता है। ये महाराज आजकल एक आसुरी भाव आ गया है, इसका पहले मन ठीक होगा तब चरित्र ठीक होगा। माने मन में जब रसगुल्ला खाने की वासना नहीं रहेगी तब हम रसगुल्ला खाना बंद करेंगे, न तो वासना टूटेगी और न तो रसगुल्ला खाना बंद होगा। और यदि आप ये नियम कर लो कि हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो रसगुल्ला खाने का संकल्प उठना बंद हो जाएगा। साधना बाहर से प्रारंभ होकर भीतर प्रवेश करती है। आजकल के ये जो स्वयंभू आचार्य लोग हैं, महाराज पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, खुदा के पास से आए हैं कि वो जो है खुदा का एक है ना मुखालिफ, खुदा का एक मुखालिफ भी है। ये खिलाफत शब्द जो है ना उसका अर्थ जरा दूसरा होता है, वो तो खलीफा से बनता है, और मुखालफत जो है ना वो तो मुखालिफ दुश्मन से, तो खुदा के दुश्मन को तो आप जानते हैं ना, तो वो भी अपना दूत भेजता है, हो उसका नाम शैतान है ईश्वर कृपा से, तो कुछ शैतान के दूत होते हैं। कहे नहीं नहीं, पहले भीतर मन शुद्ध होगा तब हम शरीर के नियम धारण करेंगे। अरे ये पहचान है बाबा, साधन जहाँ हम हैं जहाँ गिरे वहाँ से प्रारंभ होगा। आप जीभ में हैं तो जीभ से साधन होगा, आप पाँव में हैं तो पाँव में से साधन होगा, आप हाथ हैं तो हाथ में से साधन होगा। जिसके जीवन में व्रत नहीं आवेगा, यज्ञ में दीक्षा लेनी पड़ती है, ये जनेऊ पहनते हैं क्या मतलब है इसका, उसको व्रत बंध बोलते हैं, व्रत के द्वारा अपने जीवन में एक बंधन लाते हैं। और ये मुंडन संस्कार जो होता है चौल कर यज्ञोपवीत निधि बंधन, गांठ लगाते हैं अपने जीवन में, हम ये करेंगे हम ये नहीं करेंगे, आपके जीवन में व्रत आए। यदि उसके करने में कोई त्रुटि होगी तो जानकार लोग बता देंगे, जानकारों से परहेज मत करना, व्रते न दीक्षा माफ होगी। जब व्रत लोगे तो उसके पालन की विधि मालूम पड़ जाएगी, उसमें जो कठिनाई है हम जानते हैं, हम किसी को बता देते हैं ये काम करो, जब वो नहीं करेगा तो वर्षों तक पता चलेगा कि नहीं करता है, और जब करने लगेगा तो करने में उसके काम में अड़चन आ रही है, इस समय करें कि न करें, ऐसे करें कि न करें, उस समय मन ऐसा होता है तो क्या करें, जितनी समस्याएं आएंगी वो सुलझाने की कोशिश करता है। तो जब कोई सिखावेगा, बिना सिखाए हो कुछ नहीं आवेगा, बिना सीखे कुछ नहीं आता। एक नई बहू आई घर में, तो सास ने पूछा कि बेटी तुमको हलवा बनाना आता है? उसने कहा सासजी मैं होम साइंस से एमए करके आई हूँ, पाक शास्त्र का पूरा अध्ययन किया है, क्या कठिनाई है, मैं अभी बनाती हूँ। अब महाराज आग चढ़ाया, कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, सूजी ले आई, सेम प्रेशर लगाया कि कितनी गर्मी चाहिए हलवा लगाने। अब महाराज जब तक टेम्परेचर हटा के वो सूजी डाले तब तक तो घी ज्यादा गर्म हो गया, आग तो जल रही थी, हो गया। बोले बेटी रहने, घी गया आकर सूजी गई, छोड़ बात नहीं, मैं देखो मैं बना के बताती हूँ, तुम देख लो सीख लो। फिर पूछा बेटी कभी झाड़ू लगाई है? और देखो माता जी तुम हमारा अपमान करते हो, हैं? मुझे झाड़ू लगाना नहीं आ रहा, बेटी लगाया। अब महाराज झाड़ू लगाया, हैं? लगा के कूड़ा इकट्ठा किया और खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दिया। एक सज्जन पर पड़ा महाराज, वो नाराज हुए, उलाहना देने के लिए आए, तुम्हारे घर में क्या कायदा है? तब देखो बेटी बिना सीखे झाड़ू भी लगाना नहीं आता है।
कूड़ा फेंकना भी नहीं आता है वो। जब ये दशा है झाड़ू लगाने की, हलवा बनाने की, तब ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मन साधना होती है, मन का निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है, उसको आप बिना सीखे हैं तो ये भी पहचान नहीं है कि कौन आपसे कहते अरे दो मिनट उसको कर लो, जरा बैठ जरा कर लो, साधन हो गया। महाराज कहते हैं कि चाहे खाने पीने से, हमारे पास ऐसे आए बोले कि साधना का भोजन खाने पीने से क्या संबंध है, चाहे कुछ भी खाएंगे और हम तो आसन प्राणायाम करेंगे और ठीक हो जाएगा हमारा, खाने पीने के साथ इसका क्या संबंध है। तो महाराज मन जो है उसको काबू में करने की जो साधना है वो तो ठीक है, और जो तुम्हें चाहे जो खाओ जो पियो जो मौत करो ऐसा कहते हैं वो साधना के मार्ग से ईश्वर की ओर से भ्रष्ट। जब कुशलता से अपना साधन करोगे तब मालूम पड़ेगा कि गुरु जी ने हमको कितनी बढ़िया बात बताई है, जब रस आवेगा हो। देखो भोग का रस तुमको मिला हुआ है, ब्रह्मचर्य का रस नहीं मिला, लोभ का रस तुम्हें मिला हुआ है, संतोष का रस नहीं मिला है, तुम्हें हिंसा का क्रोध का रस मिला हुआ है, अहिंसा का रस नहीं मिला है। जब तुम अपने जीवन में संतोष लाओगे, अहिंसा लाओगे, ब्रह्मचर्य लाओगे, तब उसका स्वाद आवेगा हो, और तब श्रद्धा रस की उत्पत्ति होगी, जीवन में एक रस पैदा होगा, एक स्वाद आवेगा। मर्षा वयम अमर्त्यस्यते भूरिनाम अमनामहे, भगवान का नाम लो, नाम लेना माने घास फूस नहीं, भजामहे मनामहे भजामहे। गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न उठाया, अष्टाद साक्षर मंत्र का वर्णन है गोपाल तापनी उपनिषद, नरसिंह तापनी उपनिषद में 32 अक्षर का मंत्र है। मंत्रोपदेश करने के बाद बोले भाई भजन करो, तो उपनिषद स्वयं पूछती है किम नाम भजनम, भजन माने क्या, तो भजन माने आप किसी वैद्य से पूछो तो कहेगा इस औषधि का कुछ काल तक सेवन करो, वो जो औषधि का सेवन है ना, संस्कृत में सेवन के लिए भजन शब्द का प्रयोग होता है, भज सेवाया, भजनम नाम सेवनम, कड़वी दवा हो तब भी उसको खाओ बाबा, तब देखो उसका फल है ना। तो बोले नहीं महाराज तो हम कड़वी लगती है हमको, अरे भाई जब रोग मिटाना है अपने जीवन को ठीक रास्ते पर चलाना है तो थोड़ा कड़वा, तो भजनम नाम रसनम, भजन माने स्वाद करो। महाराज नीम की पत्ती बड़ी कड़वी होती है ना, कड़वी नीम की पत्ती, तो चैत महीने में इसके खाने का विधान है साथ में, चैत्र महीने में नीम की पत्ती खानी चाहिए। पहले दिन बहुत कड़वी लगेगी, दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन जब खाने लग जाओ तो फिर उसकी कड़वाहट मिट जाती है, वो फिर तो जीभ उसको अपने बराबर कर लेती है, और बाद में तो जिनको आदत पड़ जाती है वो बाद में भी खाते रहते हैं। तो जब कड़वी चीज भी सेवन करने से मीठी हो जाती है तो जो स्वभाव से ही मीठी है, मिश्री दादी मुंह में कड़वी लगी तो मिश्री का दोष नहीं है, दोष तो जीभ का है, तुम्हारे जीभ पर पित्त रोग हो गया है इसके कारण मीठी चीज मीठी नहीं लगती, थोड़े दिनों तक मीठी चीज खाओ उसका स्वाद आने लगेगा। तो भजनम नाम रसनम, स्वाद लो, भजन का स्वाद लो, आनंद लो, कृष्ण 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 राम राम राम
शिव 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 शिवो शिवो हंस सो सो हंस स्वाद लो करो तो सही देखो उसमें से वो मजा परिपाक कई कई चीज होती है वो पक जाना आप पहले खाओ खट्टा लगता है और जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है संभव है आपको भजन भी पहले खट्टा लगे मुंह का जायका बिगड़ जाए लेकिन जब बारंबार बारंबार भगवान का नाम लोगे तब उसका स्वाद आपको आ जाएगा आप तो बोलते ही हैं नाम है राम कहने का मजा जिसकी जबा पर आ गया मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ आ गया राम भगवान भगवान अच्छा देखो यदि मन आपको एकाग्र करना हो तो एक युक्ति बता दें रा अलग अक्षर है मा अलग अक्षर है रा आ, आ, जितना लंबाओगे ना वो बीच में जो फर्क है जो पोल है रा और मा दोनों के बीच में जितनी पोल है उसको जितनी लंबी करोगे उतनी देर तुम्हारा मन एकाग्र होगा कहीं नहीं जाएगा न स्त्री में न पुत्र में न धन कहीं नहीं उतनी देर के लिए मन रा और मा के बीच में रहेगा राम 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 दूसरी कोने की चीज है वो हमारे हनुमान प्रसाद जी कहते थे कि राम राम की जगह अगर कोई रैम रैम भी करेगा तो उसका मतलब होगा हाँ तो ठीक है वो बात हम मानते हैं एक मुसलमान ने हराम कहा और मर गया सो मरा हराम को राम मान लिया गया एक शंकर जी का जो भक्त है वो आहर प्रहर शिव पुराण में कथा है आहरा प्रहरा बोलता था लाओ लूटो मारो मारो लूटो आहरा प्रहर आहरा माने लूट लो और प्रहरा माने प्रहार करो मार डालो तो महाराज मरते समय आहरा प्रहरा करता रहा शंकर जी ने उसको अपना नाम मान लिया हर हर कर रहा वो नाम की महिमा एक पत्तु है वो तो उसका मतलब ये है कि आप उसको अपने जीवन में अपना है वो तो बहुत बढ़िया चीज है परंतु तत्काल हो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिले कि बैकुंठ मिले वो दूसरी चीज है और इसी जीवन में तत्काल आपको राम कहने का आनंद आवे विषय वासना छूट जाए दुष्चरित्रता छूट जाए आपके जीवन में भगवान प्रकट हो इसके लिए नारायण भगवान का राम 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 अच्छा ये यदि मुश्किल मालूम पड़े तो स्वाद लो कैसे स्वाद लो एक उसमें संगी एक राग एक ताल डालो ये विष्णु दिगंबर जी थे ना यार बहुत बड़े संगीत के ऋषि थे वो संगीत के ऋषि ऋषि माने दृष्टा नए नए राग ताल स्वर का वो उद्भावन करते थे जैसे हमारे हरिदास जी थे वृंदावन उन्होंने वृंदावनी सारंग वृंदावनी ख्याल हरिदास जी ने उन नए नए रागों की उद्भावना की तो विष्णु दिगंबर जी बोलते थे सात बार राम एकता आपने सुना होगा राम 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 आखिरी जरा लंबा होता है राम 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 तो आप भजामहे भगवान के नाम का स्वाद लीजिए और जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे भीतर भी स्वाद है हमारे भीतर भी रस है और उसमें हर लगे न फिटकरी
रंग चोखा, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। वो तो पैसा निकालने वाले तो आपसे निकाल ही देंगे, उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। परंतु भगवान का नाम लेने में हमारा पैसा निकल जाएगा, ये डरने की जरूरत नहीं है। और बड़ी शांति से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। ज्ञान के लिए बुद्धि साफ चाहिए, स्वच्छ हो बुद्धि, दुनिया की मैल न लगी हो, झट बुद्धि ब्रह्म से एक हो जाए। योगाभ्यास के लिए निर्वासनता चाहिए, तब समाधि लगेगी, नहीं तो फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर। उपासना के लिए भगवान पर श्रद्धा विश्वास चाहिए, ये भगवान का नाम सबसे सुगम है। वो एक महात्मा रहता था कहीं, उसके पास गांव का कोई किसान, पढ़ा लिखा नहीं था, जंगली था, जवान था। बोले महाराज, हमारा भी कल्याण हो, हमारा मंगल हो, हमारी भलाई के लिए कुछ बताइए। सूर्य भगवान का नाम लेता रह देता, भगवान का नाम क्या होता है महाराज, हम तो नहीं जानते। ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना जंगलों में, उनको रामायण का, महाभारत का, भागवत का नाम, गीता का नाम मालूम नहीं है, वो वेद पुराण शास्त्र नहीं जानते, वो राम कृष्ण को भी नहीं जानते, वो तो भूत प्रेत को जानते हैं। उनके गांव में जो कब्र की पूजा होती है, ग्राम देवता, उनको जानते हैं और नहीं जानते। वो पहुंच गया, महाराज हमारी भलाई के लिए कुछ बताओ। उन्होंने कहा भाई भगवान पाप नाशक हैं, दुनिया में क्या जीवन में जितनी बुराई है उनका नाम लो, अघमोचन, अघ माने पाप, मोचन माने छुड़ाने वाले, भगवान सारे पापों को छुड़ा देते हैं, जाओ तुम बोलो अघमोचन अघमोचन अघमोचन। गांव का आदमी रखता हुआ चला अघमोचन अघमोचन अघमोचन। रास्ते में और भूल गया, घमोचन घमोचन घमोचन। लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हुए थे, नारायण के मुंह पर मुस्कान आई। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? बोले आज हमारा एक नया नाम रखा है किसी भक्त ने, और कौन है बाबा? कबस पूछ हमारे क्या? नहीं हम तो पूछें क्या? पूछेंगे नहीं, उस भक्त का दर्शन करेंगे जिसने नया नाम रखा है। चलो अब महाराज जिद, जानते हैं आप स्त्री हक किसको बोलते हैं, भगवान को भी पकड़ के ले जाओ, वही ले जाते हैं। ले गए, कहता तुम इधर रहो, हम जरा भगत को देखते हैं। एक आड़ की जगह थी, भगवान नारायण खड़े हो गए, लक्ष्मी जी उसके पास गई, तो वो कोई काम कर रहा था, खेत का काम कर रहा था। अब गमोचन गमोचन गमोचन, लक्ष्मी ने पूछा भगत जी क्या कर रहे हो? वो नहीं बोला, अपना काम करता रहा, गमोचन गमोचन गमोचन, क्या जरूरी? लक्ष्मी जी की ओर देखा ही नहीं। बोले आखिर क्या कर रहे हो तुम, किसका नाम ले रहे हो? बोला जा, तेरे खत्म का नाम ले रहा। अरे लक्ष्मी जी ने कहा तो पहचान गया, मेरे खत्म का नाम ले रहा है। बोले कहाँ है आखिर मेरा खत्म कहाँ है? बोले गड्ढे में। लोग आवा बुलाया, महाराज ठीक है, ऐसा भगत तो आपका देखा नहीं। दोनों ने आके दर्शन दिया लक्ष्मी नारायण, क्योंकि वो समझता था ये भगवान का नाम। एक बात है कि आप भगवान का नाम लो, पर चरित्र शुद्धि भी चाहिए जीवन में, व्रत चाहिए जीवन में। हम ये खाएंगे नहीं खाएंगे, इस समय खाएंगे इस समय नहीं खाएंगे, यहाँ बैठ के खाएंगे यहाँ बैठ के नहीं खाएंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, इसको देखेंगे इसको नहीं देखेंगे, और इससे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जिससे आपका मन अशुद्ध होता हो उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपसे भगवान की चर्चा करे उससे बात करिए, कम से कम आपका मन तो नहीं बिगाड़े। आप छूए ना आपके मन को, आपका बैराग, आपका ध्यान, आपका त्याग है, आपकी भगवत भक्ति, आपके मन की एकाग्रता,
हे बाबा बड़ा भारी धन है आपके पास, उसकी रक्षा कीजिए और आपके जीवन की सुरक्षा। नाम नाम माने जो नम कर रहे, नाम के आगे प्र जोड़ते हैं तो प्रणाम होता है, प्रणाम। ये नाम और प्रणाम दोनों एक ही है। नमः, नाम, प्रणाम, झुकना, अपने अभिमान को मान, म आप न और वचो न आप म नाम, आपके मान को, मान को मिटाकर नाम, नम करने वाला ये भगवान का नाम है।